नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी विभाग द्वारा मलेरिया पर अंकुश लगाने के लिए लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मच्छरदानी वितरित की जा रही है। साढ़ौरा नगर को हाई रिस्क मलेरिया जोन में जोड़ा गया है, जिसके तहत नगर में 4000 से अधिक मच्छरदानियां परिवारों को दी जा रही हैं। आज सुबह 11 बजे स्थानीय अस्पताल मैदान से मच्छरदानी का वितरण शुरू किया गया, जो 28 फरवरी तक चलेगा, जिसके तहत परिवार के उन सभी लोगों को मच्छरदानी मिलेगी जिनका नाम समग्र आईडी में जुड़ा हुआ है। मलेरिया टेक्नीशियन राम गोपाल रावत ने बताया कि केंद्र के अंतर्गत 34,500 मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। पिछले 7 दिनों से ग्रामीण अंचल में मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा था। इंदिरा नगर के वार्डवासियों को मच्छरदानी का वितरण हुआ, जिनको पूर्व के सर्वे के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। श्री रावत ने बताया कि मच्छरदानी प्राप्त करने में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हमारी आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर परिवार के मुखिया को एक टोकन पर्ची दे रही है, जिसके माध्यम से उन्हें यह मच्छरदानी प्राप्त होगी। सभी लोगों से आग्रह किया गया कि अपनी अपनी टोकन पर्ची लेकर वह निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें मच्छरदानी प्रदान की जाएगी। 28 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में नगर के सभी वार्ड वासियों को यहां से मच्छरदानी प्रदान की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मच्छरदानी सभी वर्गों को प्रदान की जाएगी जिनका समग्र आईडी में नाम है। तो ये मच्छरदानी किन किन लोगों को वितरण की जा रही है? सभी लोगों के लिए वितरण की जा रही है। कब तक वितरण होंगे? 28 तक वितरण चलेगा। और घर में जैसे 10 सदस्य हैं तो उनको कितनी मच्छरदानी प्रदान की जाएंगी? 10 सदस्य हैं तो उनको उम्र के हिसाब से मिलेगी। हाँ, कैसे कैसे मिलेंगे? मतलब उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड साइज तो 3 साइज है, तो उसको अपने उम्र के अनुसार साइज देंगे। जैसे अगर एक कोई सिंगल व्यक्ति है उसको फर्स्ट साइज देंगे, अगर पति पत्नी है उनके लिए सेकंड साइज की मच्छरदानी मिलेगी, वो एक थर्ड साइज की मच्छरदानी, उसमें पति पत्नी और 2 बच्चे तक आया। ये मच्छरदानी किस प्रकार से किन किन लोगों को वितरण की जा रही है? मेडिकल मच्छरदानी है। ये मच्छरदानी ऐसी मच्छरदानी है कि इस मच्छरदानी की पास से ही मच्छर आ भी जाएगा तो आते से ही मतलब डंग मारते से वो खत्म हो जाएगा, और मतलब अंदर तो उसमें आ नहीं पाएगा। ये मेडिकेटेड मच्छरदानी, इसको है ना एकदम सुरक्षित रूप से लगाना है, और इसको है ना 10 से 12 बार धोने के बाद भी इसके जो मेडिकेट इसके ऊपर लगा रहता है वो इसका नष्ट नहीं होता है। ये अपन है ना इसको मतलब ऐसे बार बार तो धोना नहीं है, यदि अपन इसको है ना साल में 2 या 3 या 4 बार भी धो, 14 बार भी इसको धो सकते हैं। 14 बार धोने के बाद भी इसका जो मेडिकेटेड लोशन रहता है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, और इसकी है ना मार्केट में कीमत 500 से 1000 रुपये तक है। ये केवल अभी है ना मुफ्त है ना दी जा रही है, और ये वहाँ पर दी जा रही है जहाँ पर मलेरिया का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, जहाँ मलेरिया ग्रसित क्षेत्र है, जहाँ पर मलेरिया सबसे ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पे मलेरिया का, डेंगू का, चिकनगुनिया का कोई भी मच्छर हो, इसके पास आते ही मतलब इसकी परिधि में आते ही वो अपने आप नष्ट हो जाता है, इसके अंदर नहीं जा पाता है। इसको यदि इसको लगाएंगे मच्छरदानी को तो है ना परिवार, पूरा परिवार मलेरिया से, डेंगू से और चिकनगुनिया से हर प्रकार की प्रकार से सुरक्षित रहेगा। सुपर बच्चे वाले सुपर कैटेगरीज में डिवाइड करके दी जा रही है, अलग अलग 10 सदस्य हैं, फिर उनको डिवाइड करते हैं कि उनको मतलब कैटेगरी वाइज फर्स्ट कितनी आ रही है, सेकंड कितनी आ रही है, थर्ड कितनी आ रही है, सबको मतलब है ना सदस्यों के अनुसार मिल रही है। पता इस प्रकार से कैटेगरी वाइज 1 कैटेगरी वाली केवल 1 सदस्य के लिए, केवल मान लो किसी परिवार में केवल एक बुजुर्ग सदस्य है तो उसके लिए कैटेगरी 1 वाली, कैटेगरी 2 दंपत्ति है मतलब पति पत्नी दोनों हैं तो कैटेगरी वाइज दी जा रही है। दंपत्ति को मतलब दंपत्ति उसके एक बच्चा है, तो कैटेगरी 3 वाली है उसके 2 बच्चे हैं और दंपत्ति। खबर समय जगत के लिए साढ़ौरा से रूपेश जैन की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।